हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ क्यूटिश की है और किस तरह की प्रोडक्ट है, किस तरह से इसका यूज़ करना है आपके साथ शेयर करूँगी। सो क्या ये वाइटनिंग फेशियल फॉर्म यूज़ करके आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो जाती है, तो फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरे पास क्यूटिश बाय रजियास की प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त सी है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता आपके स्किन पर क्योंकि ये ओरिजिनल होती है। क्यूटिश बाय रजियास की प्रोडक्ट पे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इजली जाके वीडियो को देख सकते हैं। सो ये जो फेशियल फॉर्म है यानी कि इसे फेस वॉश कहा जाता है, रेडी टू वाइट यानी आप रेडी रहें इस फेशियल वॉश को यूज़ करने के बाद। तो क्या ये फेस वॉश आपको यूज़ करने के बाद फ़ौरन ही वाइट कर देता है, तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो इस फेशियल वॉश को आप विंटर में यूज़ करेंगे या समर में तो आपके साथ शेयर करूँगी। बट इससे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि जो फेस वॉश है इसको यूज़ करने से आपको 4 बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि आपकी स्किन वाइटी होती है, इसके अलावा आपकी स्किन टाइट होती है यानी कि आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं उसको टाइट करता है, एंड इसके अलावा आपकी स्किन वाइट होने के साथ साथ बहुत ही ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, एंड आपकी स्किन को ये मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है यानी मॉइस्चराइजिंग के हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के साथ इश्यूज़ यही होते हैं, कोई सा भी फेस वॉश जब वो यूज़ करती है तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जब स्किन ड्राई रहती है तो आपके स्किन पे भी पैचेस आना शुरू हो जाते हैं यानी कि फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। एंड इसके अलावा स्किन ड्राई होने की वजह से अगर आप कोई से भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं या कोई मेकअप वगैरह करते हैं तो स्किन काफ़ी ड्राई ड्राई सी लगती है। सो उस हिसाब से भी ये फेस वॉश बहुत ही ज़बरदस्त है यानी कि आपके स्किन को ये ड्राई नहीं करता, ऑल टाइप स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरह के जो फेशियल फॉर्म होते हैं यानी कि फेशियल वॉश होते हैं आप ज़्यादातर जो टीनएजर्स होती हैं उनको ना यूज़ करवाएं, यानी कि आपकी अगर 15 ईयर है तो भी आप यूज़ ना करें, 16 ईयर से आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस तरह के जो फेस वॉश होते हैं एंटी रिंकल होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, तो स्किन पे अगर आप कम एज पे यूज़ करते हैं तो आपको फिर बेनिफिट्स मिलने के बजाय ब्लॉस भी मिल सकते हैं यानी कि आपको एक्ने वगैरह का इशू भी हो सकता है। सो कोशिश क्या करें, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि फेस वॉश जो हैं आप 16 ईयर से ही स्टार्ट करें, अदरवाइज छोटे बच्चों को यूज़ ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये जो क्यूटिश का फेस वॉश है बहुत ही ज़बरदस्त है, वन टाइम में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट दे देता है, यानी कि आपके फेस पे अगर एक्सेस ऑयल है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो रही है तो उसको भी ये रिमूव काफ़ी हद तक अच्छे से कर देता है। एंड इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है क्यूटिश बाय रजियास की ही प्रोडक्ट है, एंड इसका जो नेट वेट है 100 ग्राम है, यानी कि ये जो ट्यूब है आपकी 1 मंथ ईजिली चल जाती है अगर आप इस फेस वॉश को मॉर्निंग पे यूज़ करते हैं एंड नाइट पे यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी 1 डे में 3 टाइम यूज़ करते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा कम टाइम पे ये ख़त्म हो जाता है। बट अगर इस फेस वॉश को आप नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे यानी क्वांटिटी नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा रखेंगे ना कम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ का इशू यही होता है इतना ज़्यादा निकाल लेती हैं फिर वो एक्सेस जो होता है वो फिर आपका ज़ाया होता है। सो अगर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी निकालती हैं और 2 टाइम भी यूज़ करती हैं तो फिर आपका ये 1 मंथ क्रॉस हो जाता है यानी काफ़ी अच्छा चलता है। एंड इसके अलावा इस ट्यूब में सबसे मज़ेदार की बात यह है कि आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर डेट एक्सपायर डेट दोनों मेंशन हुई है, यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है 2022 है एंड एक्सपायर जो डेट है 2025 है, यानी काफ़ी अच्छी डेट है, 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो फेशियल वॉश है इसकी मार्केट में प्राइस आपको ये 550 टू 650 के अंडर मिल जाता है, यानी इतनी अच्छी क्वालिटी है और प्राइस के हवाले से भी बेहतर है। एंड इसके अलावा डे हिसाब से भी ये फेस वॉश आप इजली बाय कर सकते हैं, यानी कि इनीम पे भी आपको ये फेस वॉश मिल जाता है, डिफरेंट फेस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इस फेशियल फॉर्म को जब आप बाय करेंगे तो ये इसी पैकेजिंग में आता है, इसमें बॉक्स वगैरह कुछ नहीं आता। बट इस तरह की जो क्रीम्स होती है क्यूटिश बाय रजियास की, अगर वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं तो उसका बॉक्स भी आता है। सो ये जो फेशियल वॉश है अगर आप इसको विंटर पे यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, अगर समर पे यूज़ करते हैं तो भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, यानी कि इस समर पे तो कोई इशू नहीं रहता क्योंकि आपके स्किन नॉर्मल कंडीशन पे रहती है। एंड इसके अलावा विंटर पे काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, तो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट है ये विंटर पे। एंड इसके अलावा इस फेशियल वॉश में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके फेस पे एक्ने आती है यानी समर एक्ने का इशू होता है तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। एंड इसके अलावा इस फेशियल वॉश को जब आप न्यू बाय करते हैं तो इस तरह से ये सील पैक मिलता है आपको, एंड इसके अलावा इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है, इतनी हार्श नहीं होती कि आपके नोज़ पे चुभे, क्योंकि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो फेस वॉश लाजमी यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरह के फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, लॉस बिल्कुल भी आपका नहीं होगा यानी कि आपके पैसों का लॉस नहीं होगा।
एंड इसके अलावा ये जो फेस वॉश है लाइट पिंक कलर का होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये फॉर्म टाइप का होता है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी यूज़ करनी होती है और बहुत ही अच्छा सा झाग बन जाता है आपके फेस पर। सो अगर आप कोई बेस्ट फेस वॉश बाय करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव होता है। एंड इसके अलावा व्हाइटनिंग की अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा व्हाइट यानी बहुत चिट्टा आपको नहीं करता, लेकिन आपके स्किन टोन को ये काफ़ी हद तक ब्राइट कर देता है। एंड इसके अलावा इसको यूज़ किस तरह से करना है, आप इसको मॉर्निंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो, काफ़ी अच्छी सी रहे, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। एंड इसके अलावा अगर आप नेचुरली ग्लो अपनी स्किन पे चाहते हैं तो वाटर का आप ज़्यादा यूज़ किया करें, यानी 8 ग्लास से ज़्यादा वाटर पिया करें। एंड इसके अलावा मिल्क का यूज़ डेली करें, यानी मिल्क आप अपनी लाइफ में लाजमी पिया करें, यानी 1 ग्लास या 2 ग्लास लाजमी लें, क्योंकि आप अगर कोई सी भी प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाते हैं तो एक्सटर्नल वर्क करती है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई सी भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल वर्क करती है, तो नेचुरल ग्लो के लिए आपको ये लाजमी करना होता है। फूड ऐसी लिया करें यानी कि आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का यूज़ काफ़ी हद तक ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपनी रूल्स को फॉलो करेंगे और डेली रूटीन को फॉलो करेंगे तो इस तरह से आपकी स्किन नेचुरल ग्लो लगेगी और आपको कुछ यूज़ भी करना नहीं होगा। एंड इस तरह से आपके पैसे भी लॉस नहीं होते, आपको प्रोडक्ट भी इतनी लगानी नहीं पड़ती, आप कुछ भी करते हैं यानी फेशियल करें या क्लेंजिंग करें या ब्लीच करें, बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। सो ये जो फेशियल वॉश है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप फौरन ही वाइट नहीं हो जाएंगे, यानी कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन टोन जो एक टोन होती है वो थोड़ी सी ब्राइट अप हो जाती है। सो अगर आपको लगता है कि हम व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम छोड़ दें और इस तरह के फेस वॉश को यूज़ करें वाइट होने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं तो बिल्कुल उसको यूज़ करें, बट ये आपको ब्राइट अप करने में बहुत ज़बरदस्त रोल क्रिएट करता है। सो फ्रेंड, ये किस तरह का फेस वॉश है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।